वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील्स गाइस। एंड महिंद्रा ने अपनी फाइनली जो थार थी 2020 मॉडल, इसको इंडिया के अंदर अनवील कर दिया था ऑन द 15th of August। एंड हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, कौन से इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, हर एक चीज़ की एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक लिंक आपको ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके पहले चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ महिंद्रा ने इसके अंदर ये भी बताया था कि जो महिंद्रा की जो थार है ये आपको 3 वेरिएंट्स के अंदर ऑफर होगी इंडिया के अंदर, जो कि होगा इसका जो बेस वेरिएंट है वो AX होगा, और उसके बाद इसका जो मिड वेरिएंट होगा वो होगा AX ऑप्शनल, और उसके बाद जो टॉप एंड वेरिएंट होगा इसका वो होगा इसका LX। जो इसका AX जो लाइन ऑफ थार है वो दैट विल बी फोकस ऑन द बायर्स दैट आर प्रेफरिंग टू बाय ऑफ रोडर, एंड उनको कोई ज़्यादा इनकी इसके अंदर बेल्स एंड विसल्स फीचर्स नहीं चाहिए, या फिर फॉर द बायर्स दैट आर लिविंग इन द माउंटेनियस एरियाज जहाँ पे उनको बेसिक एक एमिनिटीज़ के साथ एक आने वाली एक 4x4 चाहिए जिसके अंदर उनका बेसिक डे टू डे कम्यूट हो जाए इन द टर्म्स ऑफ माउंटेनियस एंड डिफरेंट रफ टेरेन्स, तो उनके लिए दिस इज़ फोकस्ड। एंड अगर बात करें इसके अंदर LX जो वेरिएंट है, LX वेरिएंट है उसके अंदर आपको सारी मॉडर्न डे गाड़ियों वाली एमिनिटीज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, एंड दैट इज़ फोकस्ड फॉर द डेली लाइफस्टाइल यूज बायर्स। तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, क्या क्या आपको जो LX वेरिएंट है या AX वेरिएंट है या AX ऑप्शनल वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, कौन से ऑप्शन और गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या क्या आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इनके फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ जी प्रैक्टिकलिटी या यूजेबिलिटी, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दे दीजिए एंड स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए यहाँ पे डेली ऐसा अमेजिंग ऑटोमोटिव कॉन्टेंट राइट है स्प्रिंट व्हील्स लेके आता रहता हूँ, जी हाँ डेली लेके आता रहता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग ऑन सच अमेजिंग ऑटोमोटिव कॉन्टेंट। तो सबसे पहला जो मेन हाईलाइट है यहाँ पे कि महिंद्रा इसके जो प्राइसेज है उनको अनाउंस करेगी 2nd October को इंडिया के अंदर। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है कि इसके अंदर आपको अब पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, महिंद्रा का स्टैलियन 2 लीटर का आने वाला पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शंस भी इस बार देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, और जो फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप है वो आपको जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बीच वाले वेरिएंट हैं या फिर जो लोअर वेरिएंट हैं, बेस वेरिएंट है, जो AX ऑप्शनल वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आप एज एन ऑप्शन उसको फिट करवा सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर आपको कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर आपको जो सॉफ्ट टॉप है वो आप नॉर्मल आपको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगेगी अगर आप कुछ फ्रेश एयर लेना चाहते हैं तो वो सॉफ्ट टॉप आप आसानी से उसको रिमूव करके एंड वो पीछे जैसे कन्वर्टेबल जो आपने गाड़ियाँ देखी होंगी उनके पीछे जाके फोल्ड हो जाता है वो सॉफ्ट टॉप एक लीवर के साथ, तो वो लीवर उसके साथ अटैच्ड होगा, तो उसके साथ आराम से वो फोल्ड होके पीछे उसको आप टाई कर सकते हैं विद द टायर नॉब्स, एंड वो आराम से वहाँ पे सेट हो जाएगा, कोई आपको अलग से उसको फोल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है महिंद्रा की तरफ से। बाकी अगर बात करूँ इसके अंदर 4x4 की, जो 4x4 है वो महिंद्रा की थार में स्टैंडर्ड मिलने वाला है, हर एक वेरिएंट के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाएगा और एक मैनुअल 4x4 गियर लीवर मिल जाएगी इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस जो कि इसके एक्सटीरियर्स में होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो AX वेरिएंट है इसके अंदर आपको बॉनेट लैचेस मिल जाएंगे देखने को, उसके साथ साथ फ्रंट फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी, एंड आपको इसके अंदर जो स्टेप्स हैं डोर के वो आपको ट्यूबुलर स्टील के स्टेप्स मिलेंगे। नॉर्मल इसके अंदर जो LX वेरिएंट है उसके अंदर आपको पूरा एक मोल्डेड साइड स्टेप मिलता है ब्लैक कलर का, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसके अंदर ट्यूबुलर स्टील स्टेप मिलेंगे। उसके साथ इसके अंदर आपको एक बिल्कुल बेसिक सॉफ्ट टॉप मिलेगा जो कि फिक्स्ड होगा, कन्वर्टेबल नहीं होगा, वो आपकी गाड़ी में प्रॉपर फिक्स्ड होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको व्हील आर्च की क्लैडिंग मिल जाएगी, और जो व्हील्स होंगे इसके अंदर आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, नॉर्मल अलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। एंड उसके साथ इसके अंदर जो ग्रिल होगी वो आपको ब्लैक एंड आउट ग्रिल मिलेगी सामने, उसके अंदर आपको सिल्वर कलर की लाइनिंग्स नहीं मिलेंगी, जो आपको टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर सिल्वर कलर की एक लाइनिंग फिनिश वाली ग्रिल मिलती है। उसके बाद आपको जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसके अंदर ये सारे फीचर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर एडिशनल फीचर क्या है AX से रिलेटेड वो इसके अंदर मैंने हाईलाइट किया है। इसके अंदर आपको पेट्रोल मैनुअल के साथ कन्वर्टेबल टॉप मिल जाएगा, मतलब कि एक सॉफ्ट टॉप होगा जिसको आप कन्वर्टेबल कर बना सकते हैं कि उसको रिमूव करके पीछे आप, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, पीछे आप फोल्ड करके रख सकते हैं, और उसी के साथ साथ उसको वापस जैसे ही अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको वापस से यू कैन रिट्रैक्ट इट। एंड जो डीजल वेरिएंट है उसके अंदर आपको एक कन्वर्टेबल टॉप और एक हार्ड टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड फॉर द LX के अंदर क्या
होने वाला है जो बाकी की AX और AX ऑप्शन से ज़्यादा क्या मिल जाएगा आपको। इसके अंदर आपको ड्यूअल टोन बम्पर्स मिल जाएंगे, जो सिल्वर कलर की जो स्केट प्लेट वाले बम्पर्स हैं सामने और रियर में वो मिल जाएंगे आपको। उसके साथ फेंडर माउंटेड ऑडियो एंटीना मिल जाएगा इसके अंदर। उसी साथ साथ आपको मोल्डेड साइड स्टेप्स मिल जाएंगे एंड उसके साथ साथ इसके अंदर भी आपको मैनुअल के साथ कन्वर्टेबल एंड हार्ड टॉप देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपको जो 18 इंच के सिल्वर फिनिश वाले एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी बीफी लुक देते हैं इस गाड़ी को, इसकी लुक को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके इंटीरियर्स में क्या मेजर डिफरेंसेस होने वाले हैं तीनों वेरियंट्स के अंदर, तो जो AX वेरियंट है उसके अंदर आपको विनाइल सीट अपोल्स्ट्री मिल जाएगी, साथ साथ जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा फॉर द पैसेंजर। और जो सीट्स का लेआउट है AX वेरिएंट के अंदर, वो जो आपको पहले वाली जो पुरानी थार थी उसके अंदर देखने को मिलता था कि पीछे की साइड फेसिंग सीट्स होती थी और आगे की साइड दो नॉर्मल सीट्स थी पैसेंजर्स की और ड्राइवर की, तो वैसी सीट्स मिलेंगी उसके अंदर, फ्रंट फेसिंग सीट्स नहीं मिलेंगी। ऑप्शनल वेरियंट जो है उसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद जो LX वेरिएंट है, LX वेरिएंट के अंदर आपको ये फ्रंट फेसिंग सीट्स के साथ साथ आपको फैब्रिक सीट की अपोल्स्ट्री मिल जाएगी और एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा पैसेंजर सीट के पीछे की, वहाँ पे आप कुछ भी हुक के अंदर कुछ टांग सकते हैं, कुछ ग्रोसरीज हैं या फिर कुछ भी आपके रोप्स वगैरह हैं ऑफ रोडिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी बॉटल्स हैं तो वो सब आप उसके पीछे टांग सकते हैं हुक पे। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर बात करें तो सेफ्टी के अंदर आपको ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट स्टैंडर्ड मिल जाएगा सारे वेरिएंट्स में, ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाएंगे सारे वेरिएंट्स में, रियर पार्किंग सेंसर्स, पैनिक ब्रेक लाइट, साथ ही आपको स्पीड बेल्ट रिमाइंडर एंड स्पीड अलर्ट, खाई साथ उसको जो AX वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्नो चेन का प्रोविजन भी मिल जाएगा फॉर टायर अगर आप किसी स्नोई एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउंटेनियस एरियाज के जो लोग हैं वहाँ पे स्नो भी पड़ती है, अगर आप हिमालयाज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उन कस्टमर्स के लिए उन्होंने एक स्नो चेन का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया उसके अंदर। उसी के साथ साथ जो AX ऑप्शनल है उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर एज सच कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एंड उसका जो LX वेरिएंट है उसके अंदर आपको इन सारे फीचर्स के साथ ही साथ ये सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको 3-point सेफ्टी सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी फॉर रियर पैसेंजर्स एंड उसके साथ इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाएगा विद रोल ओवर मिटिगेशन एंड उसके साथ साथ इसके अंदर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाएंगे एंड उसके साथ एक रोल केज डिज़ाइन मिल जाएगा एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी मिल जाएंगे। अगर बात करें थोड़े से ऑफ रोडिंग ऑप्शन की, जो आपको ऑफ रोडिंग ऑप्शन कैसे मिल जाएंगे, तो जो AX वेरिएंट है जैसा कि मैंने बताया कि इट्स अ वेरी ऑफ रोडिंग फोकस्ड वेरिएंट, तो इसके अंदर आपको मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाएगा एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन मिल जाएगा टू डिस्कनेक्ट द फ्रंट एक्सल एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको रिमूवेबल डोर्स मिल जाएंगे फॉर ऑफ रोड यूज़ अगर किसी को रिमूव करके चलाने हैं डोर्स। एंड उसके साथ साथ आपको इसके अंदर वॉशेबल फ्लोर मिल जाएगा विद ड्रेन प्लग एंड वेल्डेड टो हुक्स मिल जाएंगे सामने और फ्रंट के बम्पर पे। एंड जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें भी ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। लेकिन जो LX वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल था, जो पीछे की साइड मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलेगा आपको, और सामने की साइड जो सस्पेंशन सिस्टम है वहाँ पे आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। और इसी के साथ साथ आपको हिल होल्ड असिस्ट वाले और हिल डिसेंट असिस्ट वाले फीचर्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके कम्फर्ट के अंदर, इसके अंदर कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो AX वेरिएंट है उसके अंदर आपको नॉर्मल एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, टूल गेट मिल जाएगी, उसके बाद आपको एक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, एक ऑटोडिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को आपको मिल जाएगा, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो AC वेंट्स है इसके अंदर आपको मैनुअल AC देखने को मिलेगा विद इको मोड एंड जो रियर व्यू मिरर्स हैं जो बाहर आपको मिलेंगे वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल रियर व्यू मिरर्स मिलेंगे। एंड इसी के अंदर आपको मोनोक्रोम MID मिल जाएगी, मतलब एक ब्लैक कलर की MID मिलेगी, कलरफुल MID आपको देखने को मिलेगी नहीं जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर। अगर बात करें AX ऑप्शनल वेरिएंट की, तो ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर इन सारे फीचर्स के साथ आपको एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको जो फ्रंट का जो पैसेंजर सीट है उसको आप टिप एंड स्लाइड कर सकते हैं एज फॉर द पैक की। इसके अंदर पीछे फ्रंट फेसिंग रियर सीट्स मिलती हैं, तो इसके जो पैसेंजर सीट है उसको साइड करके टिप ओवर कर सकते हैं सामने की तरफ, ताकि जो फ्रंट से लोग पीछे की सीट पर एक्सेस कर सकें। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक रिमोट की एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको सीट रिक्लाइन हाइट एडजस्ट एंड हेडरेस्ट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाएगा एंड साथ ही साथ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको पावर विंडोज भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करूँ मैं LX वेरिएंट की, तो LX वेरिएंट के अंदर आपको इन सब फीचर्स के अलावा आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा विद 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट एंड उसके साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा स्टीयरिंग माउंटेड एंड उसके साथ आपको लंबर सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला आपको AC मिल जाएगा इसके अंदर
एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा एंड एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टायर प्रेशर से रिलेटेड। इसी साथ साथ अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर एलेक्स जो वेरियंट है इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे विद 2 ट्वीटर्स। जो स्पीकर्स होंगे वो इसके रूफ माउंटेड स्पीकर्स होंगे एंड उसी के साथ साथ आपको जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ जो भी आपके पावर के या टॉक के वो सारे आपको जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन है वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वॉइस कमांड और SMS के फीचर्स मिल जाएंगे विद ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी और इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो सब आपको AX और AX ऑप्शनल वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम एज सच आपको मिलता नहीं है। नॉर्मल एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक आपको स्टीरियो सिस्टम मिल जाएगा उसके अंदर। बाकी अगर बात करें इसके वेरिएंट्स के अंदर इंजन और गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशंस की तो AX और AX ऑप्शनल के अंदर आपको दोनों के अंदर जो पेट्रोल इंजन है 2 लीटर का उसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है एंड साथ ही साथ जो डीजल इंजन है 2.2 लीटर का उसी के अंदर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है दोनों के अंदर। उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर। अगर एलेक्स की बात करें तो एलेक्स के अंदर जो पेट्रोल वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ही अवेलेबल है और आपको जो डीजल इंजन है वो आपको दोनों 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ एलेक्स वेरिएंट के अंदर। बाकी अगर बात करें इसके पावर फिगर्स की तो पेट्रोल इंजन है इट प्रोड्यूसेस 150 पीएस ऑफ पावर विद 300 Nm ऑफ टॉर्क एंड डीजल इंजन है इट प्रोड्यूसेस 130 पीएस ऑफ पावर विद 300 Nm ऑफ टॉर्क एज वेल। बाकी अगर प्राइस की रेंज की बात करें तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज होने वाला है एज पर महिंद्रा इट विल बी अराउंड 9 लैक्स एंड गोइंग अप टू 13-14 लैक्स इन इंडिया एंड काफ़ी एक प्राइस का हाइक तो है इसके अंदर डेफिनेटली बिकॉज इसके अंदर सारे इतने सारे एमिनिटीज भी देखने को मिल रही हैं। पहले जो आती थी एक सिंपल थार आती थी दैट वुड बी ऑल्सो अराउंड 8-9 लैक्स। तो इसका जो प्राइस है इसके फीचर्स के हिसाब से एक जस्टिफाइड प्राइस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस में इसकी जो लुक्स हैं बाहर से काफ़ी हद तक रिमिनिसेंट करती हैं जीप की रैंगलर को तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी महिंद्रा की नई थार, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा होने चाहिए थे या फिर कौन से ऐसे फीचर्स हैं आपको इसके अंदर पसंद आए हैं और आपका क्या ख्याल है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो सही है इंडिया के अंदर या नहीं, वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई और गाड़ी पसंद आती है लाइक इन टर्म्स ऑफ एनी सब 4 मीटर SUV सेगमेंट के अंदर भी जो इसके प्राइस पॉइंट के अराउंड भी ही जो आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाती है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दे दीजिए एंड स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं आपके लिए डेली ऐसा अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट राइट हियर स्प्रिंट व्हील्स लेके आता रहता हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को। अंटिल देन इट्स योर होस्ट हितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्प्रिंट व्हील्स एंड आई विल सी यू लेटर इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो टुमारो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।